हम लोग जो है फॉरियर सीरीज के सारे थ्योरीज कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉरियर सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम्स। फाइंड द फॉरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इंटरवल है 0 to x 0 to 2π। तो फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन जो एक्चुअली एफ एक्स है वो है क्या, ए नॉट बाई टू प्लस समेसन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, या इसको ब्रेक करके भी आप लिख सकते हो ए नॉट बाई टू ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स प्लस डॉट 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 प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स डॉट 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 डॉट। तो हम लोग को निकालना है वैल्यू किसका, ए नॉट ए एन और बी एन का, ऑटोमेटिक सब निकल जाएगा। देन ए नॉट हैव द फार्मूला 1/T पाई का रेंज है 1/π 0 to 2π एफ एक्स डी एक्स, बस आप इंटीग्रेट अप कर दीजिए, दिस इज जस्ट ओनली द इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। इसका जो वैल्यू आएगा आई थिंक ऑल ऑफ यू नो 2π। अब हम लोग ए एन निकालेंगे, ए एन का फॉर्मूला 1/π 0 to 2π एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, तो 1/π 0 to 2π एफ एक्स इक्वल टू एक्स है ना, तो एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स बना के निकाल सकते हैं, आई थिंक ये मानते हुए कि आपको इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स आता है, तो इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स के थ्रू जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ओके, तब जो हम लोगों को वैल्यू आएगा वो वैल्यू इसका क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, 0 आएगा, क्लियर है ना। नाउ बी एन जब कैलकुलेट करेंगे 1/π 0 to 2π एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, यानी कि 1/π एक्स साइन एन एक्स डी एक्स 0 to π। तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है -2/n। देन हम लोग इसमें पुट अप कर देंगे, ए हो गया फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन, ए नॉट का वैल्यू 2π, 2π/2 कितना हो गया पाई, एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन का वैल्यू 0, तो ये ख़त्म। बी एन हो गया -2/n साइन एन एक्स, यानी कि पाई माइनस कॉमन ले लो 2 ओके साइन एक्स प्लस 1/2 साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x डॉट 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 डॉट, दिस इज द आंसर। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ, दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ वी सी द अनदर प्रॉब्लम, जस्ट सी, नाउ सी दिस प्रॉब्लम। इट इज़ गिविन डैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 4 - π 2 less than x less than π। ओके, नाउ फाइंड द फॉरियर सीरीज एक्सप्रेशन ऑफ एफ एक्स एंड डिड्यूस डैट 5² / 6 इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है आपको। तो ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे ए नॉट बाई टू प्लस समेसन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ओके, हम लोग क्या करेंगे, ए नॉट ए एन बी एन का वैल्यू निकालेंगे जैसे हम लोग करते हैं, तो 1/π - π है, तो 1/π - π एफ एक्स डी एक्स, क्लियर। तो 1/π - π एफ एक्स हो गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा
वो आएगा 2π² / 3। आई थिंक आप लोग सब इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। नाउ an 1π - π 2π fx cos nx dx 1π - π 2π fx = x + x² cos nx dx। इसको भी इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ, -π2π एक्स कॉस एन एक्स, आप इसको साथ में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं या आप एक स्टेप घटा भी सकते हो। देखो हाउ 1π - π2π x² cos nx dx। देखो ये हमारा ऑड फंक्शन, ये इवन फंक्शन, तो ऑड इंटू इवन ऑड, तो इसका वैल्यू कितना 0। ऑड इंटू ऑड, सॉरी इवन इंटू इवन इवन, तो इसको आप लिख सकते हैं ना, फिर 2π - π x² cos nx dx। तो यहाँ पे एक लिमिट 0 हो जाने के कारण आराम से हम लोग इसको 0 कर सकते हैं। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड से, है ना, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड से करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा आपका 1π, सॉरी इसका वैल्यू आ रहा है आपको 4cos nπ / n². अब आपको पता है कि फॉर ऑल एन, मैंने बताया था आपको फॉर ऑल एन जो है कॉस एन पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 to the power n, दिस वन हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग bn फाइंड आउट करेंगे। जब हम लोग bn लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे bn, है ना, 1π - π 2π x + x², यहीं पे मैं कर देता हूँ bn fx sin nx, ये हो गया sin nx, है ना। इसका हम लोग कंक्लूजन सिर्फ ले लेते हैं कि an का वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग के पास, an का वैल्यू आ रहा है 4 - 1 to the power n / n² अब x sin nx x² साइन, मतलब इसका यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लिए, यहाँ से भी डायरेक्टली आप निकालेंगे तब भी वैल्यू आएगा, आप इसको भी कैलकुलेट करें तब भी वैल्यू आएगा। तो ये x² x + x², तो ये ऑड और ये भी ऑड, ऑड इंटू ऑड इवन, तो ये हो गया आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं -π2π को 0 to π x sin nx, है ना। और ये हमारा इवन और ये ऑड, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2cos nπ / n। तो इस हम लोग अब यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यहाँ देखो bn = क्या आ गया, -2πn - 1 to the power n, क्लियर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें 1 में जो है पुट करेंगे, गॉट इट। जब 1 में पुट करेंगे यहाँ से आप कैलकुलेट करें तो यही आएगा, है ना, 1 आपको आना चाहिए, आई थिंक सबको आना चाहिए, देन ए नॉट का वैल्यू ये था, तो मतलब अब x + x² = ए नॉट हो गया 2π / 3, 2 कैंसिल हो गया, π² / 3 प्लस n = 1 to the infinite 4πn² -1 to the power n, फिर मैं
कॉस एन एक्स प्लस बी एन का वैल्यू माइनस टू वाई एन माइनस वन टू पावर एन साइन एन एक्स। क्लियर, यानी कि ए नॉट ए एन ए बी एन का इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। जब पुट कर दिए तो हम लोग का एक्सप्रेशन ये हो गया। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, अब आपको इसमें ये सारा पता चल गया। अब आपको लाना क्या है भाई, पाई स्क्वायर बाई सिक्स। ओके, इसमें देखो पुट करो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो गया, तो ये नहीं आएगा। पुट हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, है ना। अब देखो पुट एक्स इक्वल टू पाई, ये खुद से करना होगा, खुद से एक्स इक्वल टू पाई इसमें लोग मान लेते हैं पुट कर रहे हैं, तो पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई थ्री, ये हो गया फोर पाई स्क्वायर बाई थ्री इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई थ्री, ये फोर पाई स्क्वायर थ्री इसमें पुट करेंगे, यहाँ रहने दो, पाई स्क्वायर बाई थ्री पाई पुट किए पाई स्क्वायर, हाँ ओके, प्लस समेशन ऑफ, ये इसको ब्रेक करो, है ना, फोर माइनस वन टू पावर एन माइनस वन कॉस पाई प्लस फोर बाई टू स्क्वायर एन इक्वल टू वन इसमें पुट किए, है ना, फिर एन इक्वल टू टू माइनस वन टू पावर टू क्या हो गया, कॉस टू पाई प्लस फोर थ्री स्क्वायर माइनस वन टू पावर थ्री कॉस थ्री एक्स थ्री पाई। ओके, फिर इसके लिए माइनस टू कॉमन ले लिए, माइनस वन टू पावर वन कॉस पाई प्लस वन वाई फिर एन इक्वल टू टू माइनस वन टू पावर टू कॉस साइन सॉरी साइन 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 टू पाई, या आप एक एक और काम कर सकते हैं हम लोग, है ना, इसमें जो हम लोग पुट करेंगे एन पाई हो गया ना ये, चलो इस बार लिख देते हैं साइन टू पाई डॉट डॉट डॉट, ये साइन पाई जीरो साइन टू पाई जीरो, ओके, कॉस पाई माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस वन ये प्लस हो गया, ये वन ये वन, तो ये क्या हो गया पाई स्क्वायर टू पाई थ्री पाई स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, देखो जो आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके, इसको हम लोग और शॉर्ट करते हैं ना, इस तरह से पुट करके भी आप बनाएंगे तब भी आएगा, या आप कर दो, देखो जब पुट एक्स इक्वल टू पाई किए तो पाई प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई थ्री प्लस एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी फोर बाई एन स्क्वायर माइनस वन टू पावर एन, तो कॉस एन पाई का वैल्यू भाट माइनस वन टू पावर एन माइनस टू बाई एन माइनस वन टू पावर एन, आप रख दो यहाँ पे कॉस एन पाई, कोई दिक्कत नहीं है, और ये साइन एन पाई, आपको साइन पाई का वैल्यू जीरो, ये और शॉर्ट हो गया, कॉस एन पाई का वैल्यू भाट, ये इजी है थोड़ा इसको सॉल्व करना, कॉस एन पाई का वैल्यू माइनस वन टू पावर एन, तो ये हो गया पाई प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई थ्री प्लस फोर बाई एन स्क्वायर माइनस वन टू पावर एन, और ये माइनस वन टू पावर एन, ये मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा माइनस वन टू पावर टू एन, तो इसका वैल्यू ऑलवेज वन, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई थ्री प्लस फोर बाई एन स्क्वायर हो गया, तो फोर वन प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री स्क्वायर डॉट 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 डॉट। ओके,
अब इससे तो हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, थ्री पाई स्क्वायर, ओके यहाँ पाई स्क्वायर सिक्स है, देखो इससे थ्री पाई स्क्वायर में पाई स्क्वायर बाई थ्री गया तो नाइन एट, एट पाई स्क्वायर बाई थ्री इंटू फोर, ओके तो ये आएगा आपको, तो इससे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू माइनस पाई पुट करेंगे, तो ये हो गया माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई थ्री। जब आप इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका सेम आएगा, है ना, फोर वन प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, दोनों को जोड़ देते हैं तो टू पाई स्क्वायर, ये भी टू पाई स्क्वायर बाई थ्री, फिर ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये हो गया एट वन प्लस वन बाई टू स्क्वायर वन बाई थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको माइनस करेंगे इधर तो माइनस करेंगे तो ये फोर पाई स्क्वायर बाई थ्री आएगा और ये एट डिवाइड हो गया वन प्लस वन स्क्वायर, देखो अब आ रहा है आंसर आपका, ये देखो ये क्या हो गया, ये पाई स्क्वायर बाई सिक्स हो गया। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट सी।